बीजेपी नेताओं को डरा देगी, 140 करोड़ लोगों को कैसे डराएगी। कुरुक्षेत्र में पंजाब सीएम मान ने बोला जमकर हमला। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन रोड शो निकालने के लिए पहुंचे सीएम भगवंत मान ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। भाजपा नेता और पार्टियों को डरा सकती है, देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता को नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को INDIA गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में कुरुक्षेत्र के मुख्य बाजार पर रोड शो निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि भाजपा वाले सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन यह भाजपा की गलतफहमी है। अरविंद केजरीवाल को तो कैद कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे कैद करोगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और पार्टियों को डरा सकती है, देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता को नहीं। भाजपा नहीं देश की मालिक, नहीं जनता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, उससे साबित होता है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सच्चाई की ऐसी जीत जगेगी कि भाजपा वाले देखते रह जाएंगे। उन्होंने महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। आप बटुए वापस करने वाली पार्टी। मान भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी बटुए वापस करने वाली पार्टी है। भाजपा तो लोगों की जेब से बटुए निकालने का काम करती है। कभी सिलेंडर महंगा कर दिया, कभी कुछ महंगा कर दिया। बस एक बात याद रखना कि आम आदमी पार्टी बिजली फ्री, शानदार शिक्षा और अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए जानी जाती है। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर मुफ्त सुविधाएं देने का काम करेंगे। जेल का जवाब वोट से देंगे। भगवंत मान को रोड शो, जेल का जवाब वोट से देंगे नारे के साथ चार धर्मशाला से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजार से निकलकर पुराना बस स्टैंड पर समाप्त हुई। रोड शो के दौरान वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा, पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष बलवीर सैनी और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा शामिल थे। रोड शो का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केजरीवाल को तो कैद कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे कैद करोगे। अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनका मन और दिल यहीं पर है। हर रोज वकील उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे मिलने के लिए जाती हैं। वो हर रोज रिपोर्ट लेते हैं। आज कुरुक्षेत्र की रिपोर्ट लेंगे। यह रिपोर्ट ऐसी जाए कि उन्हें सुकून मिले कि उनके सिपाही डटे हुए हैं। भगवंत मान ने कहा कि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बना रखा है कोई भाषण से कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सच्चाई की ऐसी जीत जगेगी कि सब देखते रह जाएंगे। सीएम मान ने कहा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दलों पर राज होता है। यूं तो कहने को मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है। अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों में राज करते हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। हमें इस बात पर झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ करना है। भगवंत मान ने कहा कि मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो साग से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, हमें जेल में बंद कर दो। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल में भेज दो, हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसको ये लोग जेल में बंद कर देते हैं। नेताओं को तो डरा लोगे, लेकिन 140 करोड़ लोगों को कैसे डराओगे। यह देश किसी बात के बाप की जागीर नहीं है। हमारे पुरखों ने अपना खून देकर देश को आजादी दिलाई है। ये लोग इस देश के मालिक नहीं है, इस देश के मालिक 140 करोड़ जनता है। वो लोग फैसला करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।